हे वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिसेट स्क्रीन लॉक, यानी कि इस फोन का पैटर्न लॉक, पिन लॉक या स्क्रीन लॉक का पासवर्ड कैसे तोड़े। दोस्तों, इन सभी लॉक को हटाने के लिए अपने डिवाइस को हार्ड रिसेट करना पड़ेगा। हार्ड रिसेट करने से आपके फ़ोन में जितने सारे फोटो, वीडियोज, डेटा वगैरह था वो सब डिलीट हो जाएगा और फ़ोन को बिना फॉर्मेट किए लॉक स्क्रीन को नहीं तोड़ सकते। तो सबसे पहले पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ होल्ड करके रखना है। जब डिस्प्ले लाइट ऑफ हो जाए तुरंत पावर बटन एंड वॉल्यूम प्लस बटन को प्रेस करके रखना है। फिर सैमसंग का रिकवरी मोड एक्टिवेट हो जाएगा। सैमसंग रिकवरी मोड में कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसी इंटरफेस में हमारे मोबाइल का टच स्क्रीन बिल्कुल काम नहीं करेगा। कोई भी सेटिंग्स एक्सेस करने के लिए पावर बटन और वॉल्यूम की का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर रिबूट सिस्टम नाउ सिलेक्ट है। अब फोन को फॉर्मेट करने के लिए वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके वाइप डेटा और फैक्ट्री रिसेट में जाना है। नेक्स्ट एक बार पावर बटन दबाएं। वाइप ऑल यूज़र डेटा, मतलब स्क्रीन लॉक के साथ साथ पूरा फोन फॉर्मेट होने जा रहा है। इसके बाद एक बार वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस कीजिए, फिर पावर बटन दबाएं। कुछ ही सेकंड में फ़ोन का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। डेटा फॉर्मेट होने में कभी कभी 10 से 20 मिनट तक लग सकते हैं। मेरा फ़ोन मेमोरी पूरा खाली था, इसलिए बस जल्दी हो गया है। यहाँ रिबूट सिस्टम नाउ ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आप एक बार पावर बटन दबाएं, फिर आपका डिवाइस ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। मोबाइल चालू होने में थोड़ा समय लगता है, तो आप टेंशन ना करें। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डिवाइस स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ जो स्क्रीन लॉक था वो भी रिमूव हो चुका है। आप इस डिवाइस को अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। अगर आपके डिवाइस में पहले से ही गूगल या सैमसंग अकाउंट से साइनिंग नहीं किया हुआ है तो इस तरीके से फ़ोन को हार्ड रिसेट एंड स्क्रीन लॉक तोड़ सकते हैं। नहीं तो हार्ड रिसेट करने के बाद भी जो अकाउंट से साइनिंग किया हुआ था उसका डिटेल्स मांगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।